सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे ऐड कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताया हूं। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखनी है जिससे कि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए कि ये जो पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड होता है कैसे होता है, और साथ में आपको मैं बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, अगर भगवान न करे कि आपको कुछ हो जाए, तो अगर कुछ आपको हो जाता है तो जो आप नॉमिनी ऐड किए रहोगे तभी उसके अकाउंट में जो है आपका जो बैलेंस होगा पीएफ अकाउंट में वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, और साथ ही जो आपका 58 साल के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी ब्याज आसानी से मिल जाएगा, जो कि अगर आप पीएफ अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड करते हो तो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ कि जो पीएफ का अकाउंट में नॉमिनी आप ऐड कैसे कर सकते हो, वो भी मोबाइल से। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो सबसे पहले आप वॉच करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको फटाफट से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है यहाँ पे, और क्रोम ब्राउज़र जैसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप कर लेना है ईपीएफओ, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो इसका इंटरफेस खुल चुका है। और अब आपको यहाँ पे मेंबर होम वाले बटन पर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन कॉर्नर में दिख रहा होगा राइट साइड में, इसे जाके यहाँ पर आपको डेटा साइड में कर लेनी है, और उसके बाद आपका जो यूएन नंबर है पासवर्ड कैप्चा फिल कर लेना है यहाँ पर। ये तीनों करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करनी है। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसका यहाँ पे जो पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन कर रहा हो रहा है, जो कि ई नवाकर सुविधा ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध लिख रहा है। आपको यहाँ पे इसे फाइल नाउ पे क्लिक कर देनी है। फाइल नाउ जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लिख के आएगा हैविंग फैमिली, यानी कि आपके पास फैमिली है तो सही है, नहीं है तो फिर यहाँ पर हयास नहीं है तो नो, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको ईपीएफ नॉमिनेशन है, अगर हैवी फैमिली यस करोगे तो अब मेंबर ऐड करने के लिए आएगा, अगर हैवी फैमिली नो करोगे तो यहाँ पे ईपीएफ नॉमिनेशन आएगा। तो मैं ईपीएफ नॉमिनेशन करने वाला हूँ अपने पीएफ में। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है, आधार एड्रेस और बैंक अकाउंट, और साथ में टोटल अमाउंट शेयर, और उसके बाद फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लेने। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सावधानीपूर्वक यहाँ पे आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप, एड्रेस और बैंक की डिटेल यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। ध्यान रहे ये जो हैवी फैमिली लिखा है, अगर आपके परिवार हो, यानी कि अगर आप शादीशुदा हो तभी आप हैविंग फैमिली यस करें, नहीं तो नो करके ईपीएफ नॉमिनेशन कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर में अंडरलाइन दे के लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर इसे हम टिक लगा लेंगे। फिर इसके बाद ये लिख के आ रहा है सी ईपीएफ डिटेल्स, ओके, तो यहाँ पे इसे हम सेव ईपीएफ डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। लोडिंग हो रहा है, अभी कुछ सेकंड वेट करेंगे इसे सक्सेसफुली होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में लिख के आ रहा है ईपीएफ नॉमिनेशन सक्सेसफुली। तो दोस्तों, जो हमारा ईपीएफ नॉमिनेशन है यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, और आप भी आसानी से यहाँ पर सक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉमिनेशन है यहाँ पर आ गया है। और इस तरह से दोस्तों आप आसानी से ईपीएफ नॉमिनेशन कर सकते हो।